नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। विकास नगर में प्रेस वार्ता करते हुए सवर्जन स्वराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दौलत कुंवर ने कहा है कि इस पार्टी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा करना है। वही उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से प्रदेश की जनता उब चुकी है, तीसरे विकल्प का तलाश कर रही है। विकास नगर में अपने निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए 21 से 22 जौनसार बावर की लाइफलाइन जेरेट पर भाजपा और कांग्रेस पर मजाक करने का आरोप सर्वजन स्वराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दौलत कुंवर ने लगाया है। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दौलत कुंवर ने कहा कि इसी महीने उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच और प्रकृति पर्यावरण संस्था के सौजन्य से देहरादून में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसके मुख्य अतिथि जाने माने समाजसेवी अन्ना हजारे और वरिष्ठ अतिथि राजेंद्र सिंह होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कुंवर ने कहा कि उत्तराखंड का पानी और जवानी को बचाने के लिए 7 संगठनों ने मिलकर सर्वजन स्वराज राजनीतिक पार्टी बनाई है। उपाध्यक्ष राष्ट्रीय स्वराज पार्टी ने कहा इस पार्टी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य से उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा करना है। दौलत कुंवर ने कहा कि विगत कई वर्षों से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से प्रदेश की जनता उब चुकी है, तीसरे विकल्प के रूप में तलाश रही है। 3 महीने पूर्व जौनसार बाबर क्षेत्र के अलग स्वास्थ्य केंद्रों में भाजपा सरकार ने 18 डॉक्टरों को तैनात किया था, जो आज तक नहीं पहुंचने पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। दौलत कुंवर ने भाजपा और कांग्रेस के दो नेताओं जो कि जौनसार बावर क्षेत्र से है, जनता से वादा करके छलने का आरोप लगाते हुए 1 महीने के अंदर जजरेट में पुल का निर्माण न होने पर मुख्यमंत्री आवास में जाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वही अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान तिलू रौतेला पुरस्कार उत्तराखंड में उन महिलाओं को दिया जाता है जो समाज के लिए प्राणदायक कार्य करती है। भाजपा के डबल इंजन सरकार ने इस बार अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस पुरस्कार को देने पर निंदा की और कहा कि हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। अभी कल ही उत्तराखंड सरकार ने दिया है धिक्कार ऐसे सरकार को जिन्होंने पुरस्कारों तक का मजाक बना दिया है। जो पुरस्कार दिए गए हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, जबकि इस पुरस्कार का जो सम्मान था पूरे विश्व में था। ये ऐसे पुरस्कार देने वाली डबल इंजन की सरकार को मैं धिक्कार करता हूं। और चौथा और महत्वपूर्ण घोषणा, उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच प्रकृति पर्यावरण संस्था के सौजन्य से बहुत जल्दी एक राष्ट्रीय अधिवेशन हम देहरादून में बुलाने जा रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि विश्व विख्यात समाज सेवी अन्ना हजारे जी होंगे। वरिष्ठ अतिथि जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी होंगे। उत्तराखंड के जनमानस से अपील करना चाहता हूं आज आपके चैनलों के माध्यम से। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।